আমার যায় আসে না আমাকে চমকে ধমকে লাভ নেই মানুষের ভালোবাসা যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে থাকে কে গেল আর কে এলো কোন আয়া আর কোন গেয়া কোই ফরক নেই পড়তা কোই ফরক নেই পড়তা ২০১৪ में बोला था अच्छे दिन आएंगे अभी क्या बोल रहे हैं बोल रहे सुनार बंगला बनाएंगे रेल और बीएसएनएल और एयर इंडिया को कर दिया सेल महंगी हो गई तेल और सत्ते में आते ही विकास का नारा फेल रेल और बीएसएनएल और एयर इंडिया को कर दिया सेल महंगी कर दिया तेल और सत्ते पे आते ही विकास का नारा फेल गरीबों से तो रोटी छीनकर खुद पहना 10 लाख की सूट और विकास का नाम पे सारा देश में मचाया लूट ऐसा चाय वाला है जो चाय वाले के वजह से खाली सबके चाय के प्याले हैं आम आदमी के बंद हर ताले हैं चलो रेडियो पे ही सही अब तो बता दो भाई अच्छे दिन कब आने वाले हैं पहले ये तो बताओ अच्छे दिन कब आएंगे 15 लाख रुपए कब आएंगे सालाना आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे यहां पे मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों को मोदी जी ने रोजगार दिया है भाई 7 साल में जरा हाथ उठा के बताओ बताओ भाई किसी को रोजगार मिला मोदी जी ने रोजगार दिया किसी के बैंक के खाते में 15 लाख आए बोला था 15 लाख देंगे दिया नहीं दिया दीदी ने बोला था कन्याश्री देंगे दिया कि नहीं दिया दीदी ने बोला रूपश्री देंगे दिया कि नहीं दिया चाय बगानों के श्रमिक के लिए काम किया कि नहीं किया चा सुंदरी प्रकल्प चालू किया कि नहीं किया मैं पूछना चाहता हूं हाथ ऊपर करके बोलो दीदी ने जो वादा किया वादा निभाया या नहीं निभाया तो जो निभाया उसको मौका मिलना चाहिए या जो फेंकता है उसको मौका मिलना चाहिए हाथ उठा करके बोलो जो लोगों के बीच में रह के काम करते हैं उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बोल रहे डबल इंजन सरकार बनाओ बोल रहे बंगाल और दिल्ली में एक ही सरकार होना चाहिए मतलब आप मानते हो आपका सरकार नहीं था इसलिए आप लोगों के लिए काम नहीं किया मानते हैं ना यही कह रहे हैं ना भाई कि दिल्ली और बंगाल में एक ही सरकार होना चाहिए मतलब ये तो साफ है कि 10 साल से आपका सरकार नहीं था बोल के आपने काम नहीं किया 10 साल आपका ईगो लोगों का इंटरेस्ट से ज्यादा है बड़ा है आपको शर्म आनी चाहिए पहले तो आपको लोगों के बीच में जाके माफी मांगना चाहिए मैं गृह मंत्री अमित शाह को बोलूंगा पहले माफी मांगो मैं बोलूंगा मोदी जी को आके माफी मांगो कि आपका ईगो इतना बड़ा है कि जब तक भाजपा का सरकार बंगाल में नहीं आएगा बंगाल के लिए हम कोई पैसे नहीं भेजेंगे ऐसा इनका सोचना है भाई आपका पैसा नहीं चाहिए बंगाल में जब तक दीदी है दीदी का पैसा से बंगाल का हर एक कोना में विकास पहुंचेगा चाहे घर हो रास्ता हो शौचालय हो हर जगह जाए आपकी पैसा नहीं चाहिए और पैसा से बंगाल आप खरीद नहीं सकते 4 दिन पहले अमित शाह आया बोलता है हमें वोट दे के जिताइए हर किसान को 18,000 दूंगा सबको 18,000 दूंगा मैं नागड़ा कटा के आज माँ भाई बहनों से पूछना चाहता हूं आपका स्वाभिमान का कीमत 18,000 है क्या आपका सम्मान जो आपने पूरा जिंदगी मेहनत करके जो सम्मान कमाया क्या वो 18,000 में बीजेपी खरीद सकता है क्या मैं पूछना चाहता हूं आपने जो सम्मान कमिए आपने सकाल থেকে রাত অবধি পরিশ্রম করে যে সম্মান সমাজে অর্জন করেছেন তার মূল্য কি 18,000 ভারতীয় জনতা পার্টি বলছে 18,000 টাকা দিয়ে আমি সেটা কিনবো জবাব দেবেন কি দেবেন না आपका स्वाभिमान जो खरीदना चाहता है उसको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आपके आपको जो खरीदने के लिए मोल लगाता है जो पैसे से तोलता है उसको आने वाला दिन में जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और देखिए एकमात्र मुख्यमंत्री आज सारा बीजेपी का नेता मैदान पे उतर गया दिल्ली में किसान के आंदोलन चल रहे वहां कोई नहीं जाता सब आके यहां बैठ गया क्यों दीदी को हड़ाना है
भाई सात जन्म में नहीं कर पाओगे, जितना कोशिश करना है कर लो, जितना कोशिश करना है कर लो। मैं तो ये चुनौती देने आया हूं कि 2016 में हम लोग 211 सीट में जीते थे, इस बार तो 250 में जीतने वाला है, 250 में। खाली आप जलपाईगुड़ी से साथ में साथ जुटा के भेजो, जलपाईगुड़ी से साथ में साथ जुटा के भेजो, आने वाले दिन में 250 होगा, ये बात याद रखना। और विकास का जिम्मेदारी मेरा है, विकास का जिम्मेदारी यहां पे जो काम करता है उसका है। आप बोलो लॉकडाउन से लेके अम्फान से लेके कोरोना के टाइम में आपने बीजेपी को वोट दिया 2019 में, किसी को देखने को मिला ये एक साल में? आपके एमपी आया आपके बीच, आपने जिता के भेजा, आपने ये सोच के भेजा कि लोगों के लिए काम करेंगे, हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे, हमारे अच्छे बुरा के लिए सोचेंगे, लेकिन सोचा उनका सर तक दिखने को नहीं मिला, कहीं दूर दूर तक ये कोरोना का एक साल में बीजेपी का एमपी नजर आया, जलपाईगुड़ी का एमपी नजर आया, अलीपुरद्वार का एमपी नजर आया, कुचबिहार का एमपी नजर आया, आया कौन? दीदी आया।